हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग गपशप। ट्रक जो है ना वो कंटिन्यूअसली आ रही है, माशाल्लाह बहुत माल आ रहा है। ठीक है, तो बकरे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से बकरे नहीं आ रहे, जिनका माल है वो आ रहा है। दोस्तों देखो, देवनार में बहुत सारे माल आ रहे हैं, सारी गाड़ियां देखो ये भी खाली हो रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग वो खाली होता हुआ वीडियो से नहीं दिखा रहे ना कि यार वो डंडी से मार रहे हैं। और फिर वो दोस्तों एक भाई मिले माशाल्लाह, हम सोच रहे थे अभी तक बकरा महंगा है, लेकिन उन्होंने बहुत शानदार बकरा जो है वो 12,000 रुपए का लिया कुर्बानी के लिए। भाई सच में 12,000 रुपए का लिए क्या? अच्छा सामने से लिए क्या? तो आप जहाँ से एंट्री करोगे ना देवनार में, जहाँ से रेलवे स्टेशन का गेट है उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ बकरे आए, तो ये भाई यहाँ पर बकरा बेच रहे थे। उन्होंने देखो, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा ले लिया भाई 12,000 में। ये तकरीबन होगा 37-38 किलो का जिंदा तो होगा आराम से, है ना? माशाल्लाह भाई, अल्लाह कबूल फरमाए कुर्बानी। आपका नाम भाई? मोइन। में बेचना भी है क्या? नहीं भाई, वो भाई लोग। चलो अल्लाह कबूल फरमाए ना कुर्बानी। नहीं, बहुत खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। देखो मोइन भाई का दूसरा सौदा भी चल रहा है। मोइन भाई बोल रहे हैं भाई 17,500 में बोला था व्यापारी ने, फिर लोग 17 बोल के आगे चले गए। अब व्यापारी बोल रहा है मैं 18,000 से कम में नहीं दूँ। माशाल्लाह अच्छा बक रहा है। दे दो दे दो व्यापारी, अरे 17,000 बोले तो दे दो ना यार, मोहब्बत करे। 700 बोल दिए, 200 नहीं दे रहा भाई। दे दो यार 17,700 में, क्या कर रहे हो? दे दे भाई, नहीं दे रहे। 17 बोले थे ना तुम लोग ने, 17.5 उन्होंने बोले, 17.5 तुम लोग कितना बोले? 18 बोल रहे, इन्होंने बोला। चलो हो सकता है, बहरहाल 1,500 का फर्क होगा, है ना? और ये बकरा कितने का भाई? हाँ अरे 50,000। ये कितना वेट है उस्ताद? 25,000 में हुआ, 25,000 में। ये 50,000 मांग ले उस्ताद यार, कहाँ से है गाँव बताओ तुम्हारा? गाँव यूपी अलवर से। अच्छा लग रहा है, कितने लोगों फाइनल बताओ ना। ये तो भाई का बटाओ, पहले भाई का सौदा बटाओ। 26,000 नहीं, ठीक है चलो। माशाल्लाह दोस्तों ये बकरा भी बहुत अच्छा है, ये 4 दांत पे भाई इसका 75,000 भाई 75,000 ना, 75,000 मांग रहे ना। अच्छा बक रहा है, देखते हैं अगर आफान भाई को पसंद आया तो सौदा करेंगे इंशाल्लाह, है ना? बकरे का वो क्या है शेप वगैरह, माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा माशाल्लाह। दोस्तों अभी तक है ना हम लोग ने ये साइड की बहुत बुराई की, महानगर पालिका की बुराई नहीं कहते, कॉन्ट्रेक्टर की बुराई की थे कि कॉन्ट्रेक्टर को बराबर ये इंतजाम रखना चाहिए था कि बकरे देखो पानी में भीग रहे, पूरा समंदर दिख रहा है, समंदर नदी तालाब, अरे बाप रे बाप, देखो ये सब कीचड़ काचड़ है ना ये सब। लेकिन महानगर पालिका ने वो साइड जो काम किया ना दोस्तों, बहुत अच्छा काम किया है। ये देखो ये साइड कॉन्ट्रेक्टर की गलती है, महानगर पालिका ने बेचारे ने अपने तरफ से पैसा पास किया, महापौर और जो भी जीएम वगैरह है उनका धन्यवाद देते हैं, ये उन्होंने पैसा पास किया, लेकिन कॉन्ट्रेक्टर की मिस्टेक की वजह से हो सकता है ये यहाँ पर पानी आ गया और ये बेचारे बकरे परेशान है। लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये साइड जो देखो, ये साइड जो शेड है ना पूरे पक्के है, कॉन्क्रीट रोड है, और इतनी बारिश के बाद भी अंदर जो पैसेज है ना वो पूरा सूखा है। ठीक है, तो मैं महानगर पालिका का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने इतना पैसा जो है वो खर्चा किया, और मुंबई पुलिस की भी सिक्योरिटी वगैरह है, तो स्टेट गवर्नमेंट का भी धन्यवाद। तो जो खामी थी हमने खामी बता दी, लेकिन ये काम उन्होंने अच्छा किया, और इंशाल्लाह होप यहाँ पर जितने बकरे आ सकते वो सेफ रहेंगे, ऐसा मतलब अनुमान कर सकते हैं हम लोग। और सेकंड चीज़ एक बताना चाहूँगा, एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आई, जो बेचारा इतने दिन गाड़ी में थक के आया ना उसको ये जगह पे दे दिए, देखो है ना, जबकि क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ, जो पहले आता ना उसको यहाँ भेजना चाहिए था ये बारे में, है ना, जो बाद में आता उसको यहाँ भेजना चाहिए था, क्योंकि जो पहले आता है उसको अच्छी जगह भेजना चाहिए था। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है हर साल, जो पहले आता है उसको बेकार जगह भेजा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी कुछ आगे बकरे माशाल्लाह। दोस्तों भीगते भीगते आफान भाई को चाय की तलब लग गई, और देवनार में चाय की भी फैसिलिटी है। ये भाई साहब ये कितने, 5 रुपए की चाय ना, 5 की ना, देखो ये लोगों की खिदमत है, इतनी बारिश में भाई चाय बेच रहे 5 रुपए की, बाहर 10 की लेकिन देवनार में 5 की। नाम क्या भाई आपका? निसार अहमद भाई, सही में तुमको भी सवाब मिलेगा भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोस्तों अलवर के व्यापारी आ गए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बकरे लेके आए, दिखाया तो आपको चाय पीते पीते, निसार भाई की बेहतरीन चाय है, तो जब भी आना तो मैं आपको बोलूंगा निसार भाई की चाय रिकमेंड करूंगा, बहुत टेस्टी है। देखो माशाल्लाह अच्छे अच्छे बकरे लेके आए, एक से एक बकरे लेके आए दोस्तों। भाई साहब आपका नाम? शराफत भाई, क्या से क्या रेंज तक के बकरे है? 25,000 से लेकर 70-75 तक। अच्छा एक सवाल पूछूं, बेचारा कोई आदमी गरीब होगा मेहनत करता होगा, आपके बकरे बड़े हैं?
तो देवनार में 15 से 20 के बीच में भी बकरा मिल जाएगा क्या? अच्छा मिल जाएगा ना, मतलब अगर कोई चाहता है कम बजट में भी कुर्बानी हो जाएगी 15 से 20 में भी इंशाल्लाह। वैसे आपका माल तो बहुत अच्छा है, निसार भाई के भी बकरे देखो एक से एक है, शानदार है। जिसको भी आना हो तो 12 नंबर क्या है निसार भाई? निसार भाई 12 नंबर क्या है? किधर? ये देखो 385 एक पेन। हम लोग बताए थे दोस्तों बाहर जाके कौन सा है S5 के अंदर जो है वो बड़ा नंबर 385 के अंदर निसार भाई ने बकरे लेके आए 25 से 70 के बीच में। देखो ये बड़े बड़े बकरे भी हैं, आपको ना थोड़ा सा लग रहा होगा लेकिन बड़े बकरे भी बहुत है इसके अंदर माशाल्लाह। अल्लाह इनको कामयाब करे, इनके कारोबार में बरकत दे और लोगों का भी कुर्बानी अच्छे से हो जाए माशाल्लाह। बरबरे भी दिख गए दोस्तों, लॉकडाउन में बहुत कम देखने मिले बरबरे, लेकिन ये साल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम लोग देवनार में है ना तो हमारे भाई एक हैं उनके पास बरबरे एक से एक मिल गए माशाल्लाह, सुंदर खूबसूरत बहुत। ये हमारे एक समीर भाई है, उनको बरबरे का एक शौक था तो उसके लिए हम लोग खास रुके। ये जो बरबरा बैठा ना ये वाला, इसका हमने प्राइस पूछा भाई से 19,000 रुपये बता रहे हैं माशाल्लाह। और एक कोई छोटे वाले का भाई, इसका ये तो व्हाइट वाले का, ये जो बड़ा वाला है इसका 46,000। छोटा कौन सा हो रहा है? इसमें कहाँ से कहाँ तक है बरबरे भाई? क्या रेंज से क्या रेंज तक है? क्या रेंज से क्या रेंज तक है? 20,000 से लेके 70,000 तक का माशाल्लाह भाई, बोल रहे 20,000 से लेकर 70,000 तक का बरबरा है, सुंदर है। कहाँ यूपी साइड का है? बरेली संभल, संभल साइड के बरबरे माशाल्लाह दोस्तों। लेकिन दूसरे भाई ने तो हमें 19,000 बताए थे, ये बरबरा अच्छा है माशाल्लाह, अभी लेटा है आराम कर रहा है, थोड़ी देर बाद आके इंशाल्लाह चेक करेंगे एक बार खड़ा के, अभी वीडियो हम इसका कैप्चर करेंगे। तो जिसको बरबरे के शौकीन है चाहिए वो देवनार में आ सकते हैं दोस्तों, बरबरे भी खूबसूरत आ गए लाजवाब माशाल्लाह, अल्लाह बंदनजरी से बचा दोस्तों। देखो बहुत शानदार बकरा दिखा है, ये चाचा का है, चाचा 1,22,000 रुपये मांग रहे हैं इसके। कितना ज्यादा? 1,22,000 1,50,000 रुपये मांग रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत शानदार अंडूल है दोस्तों, पिंक स्किन में व्हाइट आईज में, क्या बकरा अल्लाह बदनजरी से बचा है ना, बहुत अच्छा बकरा है। तो देखो इनके पास अच्छे अच्छे मक्का चीना बकरा भी है, ये चीना बकरा भी, गुजरी भी है, ये एक सोचा था इनके पास। बाकी शानदार अंडूल बकरा है, फुल हैवी दोस्तों, कम से कम ये होगा 110 अबाव होना चाहिए, 120 के ऊपर, 120 किलो के ऊपर है माशाल्लाह, 1,50,000 रुपये मांग रहे हैं। जिसको भी चाहिए रहेगा यहाँ पर आके चाचा से भाव तो कर सकते हैं माशाल्लाह। ये जो है ये मैदान पे जैसे हम लोग घुसेंगे लेफ्ट साइड पे ही चाचा का बकरा है दोस्तों। ये ना एक मेरे को व्हाइट गुजरी पसंद आया था, मैंने इसका बिरजू भाई करके एक व्यापारी उनसे भाव भी पूछा, लेकिन यार बहुत ज्यादा ही पैसा बता दिया, 60,000 रुपये। ये 60,000 बकरा अच्छा है लेकिन 60,000 रुपये कुछ ज्यादा ही, और बिरजू भाई बोल रहे बड़ा बकरा है। तो इनके पास कलरफुल अच्छे बकरे, मुंडा बकरा भी अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन मैंने इसी का 60,000 सुन के अभी दूसरे का भाव पूछना बिरजू भाई से मुनासिब नहीं है। 60,000 रुपये बोल रहे दोस्तों तो क्या भाव तो कराएंगे, 25,000 बोलेंगे तो मेरे को भगाने देवे हो बिरजू भाई, 25,000 में दे रहे हो बकरा बिरजू भाई, कस्टमर आ जाएगा बकरा खूबसूरत है लेकिन 60,000 रुपये का बकरा नहीं बिरजू भाई, बताओ कितने में आएगा? बिरजू भाई का बकरा माशाल्लाह बहुत शानदार है भाई, लेकिन मेरे बजट के बाहर है। तो तेरा बजट कितना फाइनल इतना बोल भाई? मेरा बजट तो 25 से 30 के बीच में ही था, समझे? ऐसे बोल है ना, देखो भाई हमने नाराजगी की बात नहीं की तुमसे, सही बात है, हाँ सही है क्या ना भाई? सही बात। तो मैं बोला मेरे को मेरा सौदा नहीं जम रहा है, कोई और आ जाए उसको पसंद आ जाए वो आपसे कर ले सौदा, है ना माशाल्लाह। लेकिन एक बात है बिजरू भाई, सारे बकरे ना आपने कलरदार रहे, गाँव कौन सा भाई आपका? अलवर, राजस्थान। अच्छे बकरे, कलरफुल बकरे दोस्तों, जब थकन उतरेगी ना बकरों की जब चमकेंगे, जब ये चमके, देखो ये माशाल्लाह कलरदार बकरा, ये भी कलरदार बकरा। बिरजू भाई उठाओ मत, ऐसी प्राइस बताओ इसका पैसा? यार ये देख रहा नहीं मैंने, पिच पर नजर आ रहा है, शानदार बकरा है ये बकरा भी, देखो क्या कलरदार बकरे बिरजू भाई, 55,000 मांग रहे दोस्तों। ये मैं बोलता हूँ जितना मैं गुजरी पालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से अभी तक है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है बहुत शानदार बकरा होगा ये, गुजरी है सारी, हाँ वो देखो वो व्हाइट गुजरी है, ये भी अच्छा बच्चा है, ये भी कलरदार अच्छे हैं माशाल्लाह।